जी, तो आज के स्टूडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने होमस्टर को बार्ड के साथ अपने टोन वैलेट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने होमस्टर को बार्ड को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपने जहाँ पे क्लिक करना है एयर ड्रॉप पे, उसके बाद आपको यहाँ पर कनेक्ट योर टोन वैलेट का ऑप्शन मिलता है, तो उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने कनेक्ट योर टोन वैलेट का ऑप्शन है, तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो अब देखें यहाँ पे है टोन कीपर, तो आपके पास ये आपका वैलेट होना चाहिए इस ऐप के अंदर, आपने अपना वैलेट क्रिएट किया हुआ हो। अगर नहीं किया तो आपने पहले कर लेना है प्ले स्टोर से इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल, इस पे वैलेट क्रिएट कर लेना, उसके बाद ही आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक कभी भी नहीं करना। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यहाँ पर ये पड़ा है, ठीक है, ये टोन कीपर। अगर आपके पास नहीं है तो आपने गूगल प्ले स्टोर से अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल करना है। बिल्कुल इसी तरह होगा, ये गूगल प्ले स्टोर पे आपने आ जाना है और इसको सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन कर देना है। तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है क्रिएट न्यू वैलेट पे, तो यहाँ पर आपने अपना 4 अंक का पासवर्ड लगाना है और यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, आपका वैलेट क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे आपके बैकअप रिकवरी फ्रेजेज हैं, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अगेन से कंटिन्यू करना है, पासवर्ड लगाना है। तो आपके ये वाले जो हैं वो 24 आपके रिकवरी फ्रेजेज हैं, आपने इनको कहीं भी नोट कर लेना, लिख के रख लेना, ये आपके काम आएंगे। अगर एक दफ़ा आपका ये जो ऐप है ये लॉग आउट हो गया या अनइंस्टॉल हो गया, तो दोबारा आप इसको रिकवर नहीं कर सकते इनके बगैर। इनको आपने ख़ास ख्याल रखना, इनको आपने कहीं भी सेव कर लेना, ठीक है। उसके बाद इस तरह ये आपका अब अकाउंट जो है वो रेडी है, आपका वैलेट रेडी है। आप इसके अंदर यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं अमाउंट और सेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये आपका अकाउंट बन जाए, आपका वैलेट क्रिएट हो जाए, उसके बाद आपने दोबारा से चले जाना है उधर, यहाँ पे आने के बाद अब आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर ये देखें ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो आपसे परमिशन मांग रहा है, इसको आपने टिक लगा देना है, इनेबल नोटिफिकेशन करके आपने यहाँ पे कनेक्ट वैलेट के ऊपर क्लिक कर देना है और अब आपने अपना कोड लगा देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो वैलेट है वो कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखें ये कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर ये सक्सेस का मैसेज आ चुका है। तो अब हम चलते हैं बैक, तो यहाँ पे देखें ये टिक का ऑप्शन आ चुका है, तो इसका मतलब है कि आपका जो टोन वैलेट है वो आपके हैमस्टर को बार्ड के साथ कनेक्ट हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना।